चलिए इस वक्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द टॉप ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड स्ट्रक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इफ एंगल एट विच द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड इज। फर्स्ट है 60 डिग्री, सेकेंड है 45 डिग्री। ठीक है, यानी पहले हमें 60 डिग्री पे निकालना है, उसके बाद 45 डिग्री पे निकालना है। तो हम फर्स्ट वाला आपको बता दें, सॉल्यूशन फर्स्ट जब 60 डिग्री रहेगा एंगल तब। तो चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। द टॉप ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड स्ट्रक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। तो पहले सबसे पहले क्या कहते हैं, यहां पर देखिए एक ट्री है, ये हम ले ले रहे हैं, ये हमने ले लिया है, ट्री है और ये है ग्राउंड। जो ट्री है वो कहां पे खड़ा है, ग्राउंड पे तो खड़ा रहेगा, कोई ट्री है कोई पेड़ है तो कहां वो ग्राउंड पे रहेगा, ये हो गया। चलिए अब यहां देखिए, ये हमने ट्री ले लिया, ये ग्राउंड ले लिया। कह रहा है द टॉप ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड स्ट्रक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, है ना। ये ट्री है, ये ट्री का टॉप और ये ट्री का बॉटम यानी फुट, ये ट्री का टॉप, ये ट्री का फुट, और ये क्या है, ये है ग्राउंड। ठीक, अब ये ट्री जो है उसको हम ले रहे हैं ए बी, क्या है, चलिए ए बी ले रहे हैं, ए बी, ए बी क्या है, ट्री है जो कि यहां से मान लीजिए पॉइंट यहां हम ले रहे हैं, चलिए इसको हम क्या ले रहे हैं पॉइंट, चलिए डी ले ले रहे हैं, और इसको ले रहे हैं पॉइंट सी ले ले रहे हैं। ठीक है, एक ए बी एक ट्री है जो कि पॉइंट डी से, पॉइंट डी से ये क्या होता है, टूटता है, ब्रोक होता है और जाके ग्राउंड से लग जाता है, यहां से टूटा और जाके ग्राउंड से लग गया। ये डिस्टेंस थोड़ा छोटी कर दें, डिस्टेंस हम थोड़ा सा छोटी कर दें, ठीक, ये कर दे रहे हैं, ये ठीक है। ए बी एक ट्री है, देखिए ए बी क्या है, ए बी एक कंप्लीट ट्री है, पूरा एक पेड़ खड़ा हुआ है ना, जो कि होता क्या है, द टॉप ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड, जो कि हवा से क्या होता है, टूट जाता है। कहां से टूट रहा है, यहां से, देखिए ये जो ए बी जो ट्री था वो यहाँ पॉइंट डी से टूटता है, पॉइंट डी से जब टूटा तो ये पार्ट ए डी आके कहां लग गया, यहाँ ग्राउंड पे लग गया, है ना, ग्राउंड पे लग गया, यानी कि ए डी ये डिस्टेंस और डी सी ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये ए डी यही पार्ट टूट के ग्राउंड पे लगा है, ग्राउंड पे आके लग गया, ऐसे पेड़ टूटा ऐसे ग्राउंड पे लग गया, तो ये पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि यही पार्ट ए डी जो है वो टूट के आगे ग्राउंड पे लगा है, यानी ए डी डी सी क्या है, सेम ही है, यही पार्ट टूट के लगा हुआ है, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इसने ग्राउंड पे कितना बनाया, 60 डिग्री, हम पहला वाला ले रहे हैं, तो पहला वाला क्या 60 डिग्री है, इसको ले ले रहे हैं, और यहाँ पे दिया गया, देखिए द टॉप ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय द विंड स्ट्रक द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कितनी डिस्टेंस पे, 100 मीटर की डिस्टेंस पे, तो इसको हम ले ले रहे हैं 100 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, फुट ऑफ द ट्री 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो ट्री का जो फुट है उससे कितनी 100 मीटर की डिस्टेंस पे जो ट्री था ये भी वो पॉइंट डी से टूटा और जाके ग्राउंड पे लग गया, ट्री के फुट से 100 मीटर दूरी पर यहाँ पे। ठीक, फिर कह रहा है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इफ एंगल एट विच द टॉप ऑफ टॉप स्ट्रक द ग्राउंड। तो आपको बताना है कि जो टोटल ट्री है यानी ए बी की हाइट बतानी है ना, उसकी हाइट बतानी है, और जबकि आपको दिया गया है एंगल, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया आपको कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए ये डिस्टेंस हम ले ले रहे हैं, इसको एच ले ले रहे हैं एच मीटर, और इस डिस्टेंस को हम ले ले रहे हैं एक्स मीटर, है ना, यानी पूरी डिस्टेंस जो ट्री की डिस्टेंस है ए बी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स प्लस एच मीटर, एक्स प्लस एच मीटर। ठीक है, चलिए अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम लिख भी ले रहे हैं कैसे कैसे क्या था, हम लिख ले रहे हैं ए बी इज अ ट्री, यहां देखिए लिख दे रहे हैं, सबसे पहले ए बी इज अ ट्री, ए बी क्या है, ट्री है, ए बी इज अ ट्री विच, आगे देखिए विच ब्रोकन एट, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे विच ब्रोकन एट पॉइंट डी, अब ये जो ए बी पेड़ जो खड़ा था ये यहां से पॉइंट डी से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, वही लिख ले रहे हैं विच ब्रोकन एट पॉइंट डी, विच ब्रोकन एट पॉइंट डी, जो कि पॉइंट डी से टूट चुका है। उसके बाद टॉप ए, यहां लिख दे रहे देखिए टॉप ए, यानी ट्री का ए बी ट्री का जो टॉप वाला हिस्सा है यानी ए वाला पॉइंट है ना, यहां लिख दे रहे टॉप ए टच द ग्राउंड, टॉप ए टच द ग्राउंड एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी है ना, यहां से ये पेड़ जो ए बी था वो पॉइंट डी से टूटा और जाके ग्राउंड से टच हो गया।
है ना, और यहाँ पे दे ही रहा था फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इफ एंगल एट विच द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी जो टूटता है पेड़ जाके ग्राउंड से जब लगता है तो एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। 45 डिग्री अभी ऐसे ही निकलेगा, तो हम फर्स्ट वाला बता रहे, सेकंड आप निकाल लीजिए। चलिए ये हो गया, अब यहां पे और देखिए लिख ले रहे हैं हम, लेट द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री, ट्री यानी हाइट ऑफ ट्री यानी ए बी, कितना ए बी, ये पूरी लेंथ ए बी, यानी ये कितनी है एक्स प्लस एच मीटर, एक्स प्लस एच मीटर, यानी हमें ट्री की हाइट बतानी पूरे कंप्लीट ट्री की, जब टूटा नहीं था तब से, यानी पूरी ए बी। ये हो गया, चलिए अब इसमें देखिए ट्रायंगल का हम सिलेक्शन कर ले रहे हैं। ट्रायंगल एक बार हम यहां दिया गया हमको डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी लिख ले रहे हैं, इन ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी में लेंगे तो यहां पे ले ले रहे हैं हम क्या, टेन ले ले रहे हैं, ट्रायंगल डी बी सी में हम ले लेंगे टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री लेंगे तो हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डी बी अपॉन बी सी, डी बी अपॉन बी सी आ गया, टेन 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री, डी बी कितना एक्स और बी सी कितना 100, यानी हो जाएगा कितना आपका एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया 100√3, ठीक है ये आ गया। अब चलिए एक बार ट्रायंगल देखो, ये लिया फिर से इसी ट्रायंगल में लेंगे, फिर से इसी ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल अगेन करके लिख लीजिएगा आप, इन ट्रायंगल डीबीसी, अगेन इन ट्रायंगल डीबीसी है ना, अगेन इसी ट्रायंगल में लेंगे डीबीसी में, इस बार देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर एडी देखिए एडी क्या एच मीटर लेंथ है तो डीसी क्या होगा, ये भी एच मीटर होगा, एच मीटर क्यों, क्योंकि यही पार्ट जो एडी जो पार्ट है ये टूट के कहां जमीन से लगा, यानी एडी और डीसी ये दोनों क्या है इक्वल है, तो अगर एडी एच है तो डीसी भी एच होगा, ठीक है ये हो गया एच मीटर। अब इसमें देखिए इस ट्रायंगल में हम ऐसा रेशियो लेंगे कि हमारा ये क्या है बेस है और ये क्या हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आ जाए, बी अपॉन एच आए या एच अपॉन बी आए, तो बी अपॉन एच हम ले सकते हैं क्या कॉस, तो हम ले लेंगे कॉस 60 डिग्री, क्या ले लेंगे कॉस 60 डिग्री हम ले लेंगे, देखिए कॉस 60 डिग्री लेंगे तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, बी अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस क्या है बीसी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है बीसी है या सीडी है ना। उसके बाद चलिए इधर वैल्यू रखते हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, अब यहां पर बीसी कितना लिखें, बीसी है 100 अपॉन बीसी कितना है एच, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 200, एच की वैल्यू कितनी आ गई देखिए यहाँ पे, एच की वैल्यू आ गई 200, एच की वैल्यू कितनी आ गई 200, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100√3 और एच की वैल्यू आई 200, तो हमें एक्स की वैल्यू भी मिल गई एच की वैल्यू भी मिल गई, यानी एक्स की वैल्यू एच की वैल्यू मिल गई, तो हम दोनों प्लस कर देंगे तो हमें ट्री की हाइट मिल जाएगी है ना। चलिए लिख दे रहे हैं, हाइट ऑफ हेंस हाइट ऑफ होल ट्री, यानी कि ए बी था ना, हेंस हाइट ऑफ होल ट्री ए बी, ए बी इक्वल टू कितना एक्स प्लस एच मीटर, तो ये है कितना एक्स प्लस एच मीटर, वैल्यू रख दीजिए एक्स की वैल्यू कितनी है 100√3, एक्स की वैल्यू है 100√3 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 200, एच की वैल्यू कितनी 200 है ना। चलिए अब यहां पे इसको हम क्या करते हैं ऐड कर देंगे, तो यहां पे देखिए रूट थ्री की वैल्यू यहां रख ले रहे, क्या कर रहे हैं रूट थ्री की वैल्यू रख ले रहे 1.732, आगे कितना है प्लस 200 है ना मीटर, जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे यहां लिख दे रहे हैं दिखेगा नहीं इधर लिख दे रहे हैं ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 173.2 आ जाएगा, 173.2 प्लस 200 ये तो आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1.732 में तो कितना आएगा 173.2 ये आ जाएगा, प्लस 200 है इसको प्लस कर देंगे आ जाएगा 373.2 मीटर, ये आएगा आपकी टोटल हाइट इसकी ट्री की, यानी जो ट्री था उसकी हाइट कितनी आई 373.2 मीटर ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट वाला बता दिया, अब ये सेकेंड वाला 45 डिग्री, सब कुछ बिल्कुल सेम प्रोसेस यही होगा, बस एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 60 था, यहाँ क्या हो जाएगा 45, बाकी बिल्कुल सेम पूरा वही समझ लीजिए, कॉपी करना है ठीक है कर लीजिए।